चैप्टर का नाम क्या है? फाइनेंशियल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स रजिस्ट्रेशन। वापस से बता रही हूं, इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं कि कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो फाइनेंस का काम करती है और उसका रजिस्ट्रेशन कैसे होता है। तो अब जब हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया तो सबसे पहले क्या पढ़ा? एनबीएफसी। क्या होता है एनबीएफसी? नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। बैंक की तरह काम करता है लेकिन बैंक होता नहीं है। बैंक एक्चुअली में बहुत सारे काम कर सकता है, एनबीसी कंपैरिजन वाइज कम करता है। चलिए, फिर हमने हाउसिंग फाइनेंस कंपनी पढ़ा। हाउसिंग फाइनेंस कंपनी वो कंपनी होती है, ये एक टाइप ऑफ एनबीएफसी है, लेकिन इसका कोर काम क्या है? हाउस फाइनेंस करना, और हमने डिटेलिंग भी पढ़ ली। चलिए, अब जो हम पढ़ने वाले वो क्या है? एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, इट इज अ टाइप ऑफ एनबीएफसी, एनबीएफसी का टाइप है। चलिए, अब इस एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को पहले मैं शॉर्ट में इंट्रोडक्शन समझाऊंगी, फिर हम डिटेल में जाएंगे। एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, क्या मैं एआरसी बोल सकती हूं? बोल सकती हूं। चलिए, ये कंपनी होती है, समझना, बैंक ने अच्छा खासा लोन दिया, लेकिन अब बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारी कंपनीज होती हैं जो क्या करती हैं, लोन तो ले लेते हैं लेकिन लोन चुका नहीं पाती है। उन्हें हम डिफॉल्टर्स बोल सकते हैं, या फिर थोड़ा सा टेक्निकल नाम बोल सकते हैं एनपीए, जिन्हें मैं बोलूंगी नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। क्यों इन्हें एसेट्स बोला? मैं हूं बैंक, मेरी है बैलेंस शीट, मेरी बैलेंस शीट में एसेट में डेटर्स के नाम लिखोगे, इनसे पैसे लेना है, पैसे लेना है, पैसे लेना। अब भाई ये जो एसेट्स है ये मेरे लिए एसेट्स है, लेकिन अब ये डिफॉल्टर्स है, तो क्या मैं इसे नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बोल सकती हूँ कि मुझे पैसा मिलने वाला नहीं है? अब होता क्या है, बैंक को बहुत लॉस होता है, तो बैंकों को इन सारे लॉस से निपटाने के लिए ये लोग क्या करते हैं बच्चा, बीच के एक मिडिलमैन को अप्रोच करते हैं, एक कंपनी को अप्रोच करते हैं। ये जो कंपनी है ये वसूली भाई बनती है, रिकवरी करने वाली बनती है। ये क्या करती है, बैंकों से ये नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स खरीद लेती है। बैंकों से क्या करती है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स खरीद लेती है। लेकिन ऑब्वियसली समझ लो ये 100 करोड़ के हैं, ये नॉन परफॉर्मिंग एसेट कितने के है? 100 करोड़। 100 करोड़ से मतलब क्या बच्चा, लोन दिया था 100 करोड़ का, अब 100 करोड़ मिलने वाला नहीं है। अब एआरसी क्या करेगा, ये 100 करोड़ के शेयर्स खरीद लेगा, सॉरी नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स खरीद लेगा, लेकिन क्या 100 करोड़ में खरीदेगा? कुछ तो फायदा होना चाहिए। कम में खरीदेगा, 80 में खरीदेगा, 90 में खरीदेगा, जो भी उनकी खुद की पर्सनल डील होंगी, नेगोशिएशन होंगे। चलिए मान लो उसने 80 करोड़ में खरीद लिया, 20 करोड़ का उसका मुनाफा। अब वो जब ये वसूल करने जाएगा तो 100 करोड़ ही वसूलेगा। मान लो उसे भी नहीं रिकवरी हुई, नुकसान तो हो सकता है ना उसे भी, तो बच्चा फिर वो उस कंपनी का, सॉरी फिर वो ऐसे रिकंस्ट्रक्शन कंपनी का क्या होगा बच्चा? लॉस होगा, उसका खुद का रिस्क होगा जो उसने बैंक से परचेज किया था। क्या ये बात समझ में आ रही है? अब ऐसे रिकंस्ट्रक्शन कंपनी एक बड़ी कंपनी होगी ऑब्वियसली, जिनके पास अच्छा खासा पैसा होगा, जो बैंकों से इतनी दम रखती होगी कि इन एसेट्स को वो खरीद सके। 100 करोड़ की अगर लोन खरीदने, दैट मीन्स ये अच्छी खासी कंपनी होनी चाहिए। अब ये भी एक नॉर्मल कंपनी है। अब ये कंपनी कह रही है कि भाई अगर हमारे पास भी पैसे नहीं तो हम क्या करेंगे, तो ये मार्केट में शेयर्स इश्यू करेंगे। क्या करेंगे मार्केट में? शेयर इश्यू करेंगे, ऑफर देंगे मार्केट में कि मैं एक एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी हूं, मैं ऑफर दे रहा हूं, ऑफर डॉक्यूमेंट, आओ मेरे कंपनी के शेयर्स खरीदो। अब जो ये शेयर खरीदने आएंगे, ऑफर में तो साफ लिखा है ना कि हम बैंकों के क्या खरीदते हैं, एनपीए खरीदते हैं, हम एक तरीके से वसूली का काम करते हैं, तो जिनको इंटरेस्ट है वो आके हमारे शेयर्स खरीदे। तो शेयर्स खरीदने वाले हमेशा होंगे क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर, शॉर्टकट में मैंने क्या लिखा, QIB। क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर बड़े लेवल के लोग होते हैं, ये बड़े लेवल के इन्वेस्टर्स होते हैं, जिसमें एग्जाम्पल में आ जाता है बैंक, एग्जाम्पल में आ सकता है म्यूचुअल फंड्स, बड़े बड़े पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ठीक है, इनके पास बड़ा मोटा पैसा होता है। ये लोग इंटरेस्ट दिखाते हैं इसमें, वो इन शेयर्स को क्या करेंगे, खरीदेंगे। इनको मालूम है कि ऐसे रिकंस्ट्रक्शन कंपनी क्या करती है, वसूली का काम करती है। हम जैसे नॉर्मल लोग इन्हें नहीं खरीद सकते, क्योंकि हमें तो टेंशन ही हो जाएगी ना कि भाई किसी का डिफॉल्टर्स है, इन डिफॉल्टर से पैसे रिकवर करना, तो ये है जो थोड़ी दूर की सोच सकते हैं। तो इन शॉर्ट एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी है क्या, ये एक कंपनी होती है जो किसके अंडर में काम करती है, बैंक के अंडर में काम करती है, बैंक के नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स की वसूली करती है, रिकवरी करती है, खुद का पैसा भी लगाती है और मार्केट में शेयर भी इश्यू करती है। अब जो मार्केट में शेयर इश्यू करती है उसे खरीदने वाले थोड़े से बड़े प्लेयर्स ही होते हैं। तो चलिए अब आ जाइए शॉर्ट में पढ़ेंगे। बैंक्स टेक ऑल द प्रिकॉशंस टू लेंड देयर मनी ओनली दोज कस्टमर हु कैन रिपे देम। बैंक अपना बेस्ट ट्राई करती है लोन उसी को दे जिसे रिकवरी हो सके। बैंक तो यही ट्राई करती है, वो कभी थोड़ी ना ऐसे लोगों को देती है जो चुका नहीं पाएगा। वो क्यों कहते हैं कि आप अपनी इनकम स्टेटमेंट दो, वो क्यों कहते हैं अपने रिटर्न मुझे दो, प्रॉपर्टी क्या गिरवी रखोगे, क्योंकि उनका पर्पस क्या है,
पैसे उसी को दिए जाए जो कल को मुझे रिटर्न कर दे। किसी गरीब को देंगे तो रिटर्न थोड़ी ना वाले, बैंक समाज सेवा करने नहीं आए, बिजनेस ही कर रहा है वो भी, ठीक है। चलिए, तो कस्टमर डिफॉल्ट फिर भी कर देते हैं, बैंक को अच्छा खासा क्या होता है बच्चा, लॉस होता है। तो यही सारी चीजों को मिनिमाइज करने के लिए ऐसे रिकंस्ट्रक्शन कंपनी आती है और वो क्या करती है बच्चा, इन नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स को खरीद लेती है। नॉन परफॉर्मिंग एसेट को क्या कर लेती है, खरीद लेती है। इट्स हेल्प क्लीनिंग, ये कंपनी के जो बैंक्स हैं, बैंक के जो बैलेंस शीट है उसको क्लीन करने का काम करती है। कैसे, अभी डिफॉल्टर की लिस्ट नहीं आ जाएगी, बैड डेट्स नहीं आ जाएंगे। अभी मेरा एसेट दिख रहा है कि मुझे लेना है लेना है लेना है, कुछ टाइम बाद मैं क्या बोलूंगी, इतने का बैड डेट हो गया मेरा। तो बैलेंस शीट को साफ करने के लिए ये एसेट कंस्ट्रक्शन कंपनी आते हैं, चाहे वो बैंक हो, वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो, जिसकी भी बैलेंस शीट हो, ठीक है। इंडिया में सबसे पहला एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी जो बनी थी वो ARCIL बनी थी, ठीक है। ARC का फुल फॉर्म ही क्या है बच्चा, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, आई रिप्रेजेंट करता है इंडिया लिमिटेड, ऐसे करके कुछ है, ठीक है। ऐसे करके कोई ये फर्स्ट कंपनी बनी थी। अब यहाँ पे एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी में कौन सा एक्ट लगता है, ये नॉर्मल कंपनीज, वेरी गुड, नॉर्मल कंपनीज एक्ट की तरह ये कंपनी तो बनेगी, लेकिन एक सरफाइसी एक्ट था जो मैं बार बार बोलती रहती थी, प्रोफेशनल में डिटेल में पढ़ेंगे, प्रोफेशनल में बहुत डिटेल में है पूरा एक्ट, यहां एक्ट डिटेलिंग में नहीं है, बस उन्होंने बोल दिया है सरफाइसी एक एक्ट होता है, उसका सेक्शन नंबर 3 के अकॉर्डिंग ऐसे रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को अपने आप को रजिस्टर करवाना पड़ेगा। सरफाइसी एक्ट क्या है, सरफाइसी एक्ट एक एक्ट है जो बैंकों के लिए स्पेशली बना है ताकि बैंकों के लोन की रिकवरी हो सके, उन्हें लॉस से बचाया जा सके, तो ऐसे रिकंस्ट्रक्शन कंपनी उनके अकॉर्डिंग रजिस्ट्रेशन करवाएगा। अब उसके सरफाइसी एक्ट में लिखा है कि भैया आपको किसे परमिशन लेनी है, RBI, क्योंकि आप बैंकों से डील करने वाले हो, बैंकों से डील करोगे तो भाई आपको क्या लेना पड़ेगा, RBI से रजिस्ट्रेशन। और ये जो ऐसे रिकंस्ट्रक्शन कंपनी है ये एक टाइप ऑफ क्या है, NBFC, लेकिन इसका कोर काम क्या है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स को खरीदना, किससे खरीदना, बैंक से खरीदना। अब मुझे बताओ बैकग्राउंड क्लियर है। चलिए, अब एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी जो सेटअप होती है इसका फोकस, इसका मेन अप्रोच क्या होता है, नॉन परफॉर्मिंग लोन को ही रिजोल्व करना। नॉन परफॉर्मिंग लोन बोलो या फिर नॉन परफॉर्मिंग एसेट बोलो, एक ही बात है। इन्होंने कहा भैया अगर कोई आइसोलेटेड लोन है, किसी भी फाइनेंशियल सिस्टम में किसी ने भी लोन दे रखा है किसी भी इंडिविजुअल इंसान को, तो उनसे भी रिकवर करने का काम करती है, कंपनी से भी रिकवर करने का काम करती है। फॉर एग्जांपल मैं इंसान हूं, मैंने लोन लिया, मैं नहीं चुका पाई, तो मेरे पास आके वसूल करेगी। चलिए आईटेक से कंपनी है, इनके पास भी वसूल करेगी। तो तरीके अलग अलग होते हैं। अब यहां पे इतनी डिटेलिंग नहीं दे रखी है, एक आध में डिटेलिंग का तरीका बता रही हूं। अब एक कंपनी से कैसे लोन रिकवर करेंगे भाई, कंपनी का वाइंड अप तो करवाएंगे नहीं, लिक्विडेशन में तो भेजेंगे नहीं, पहला ट्रायल ये नहीं होता, ये तो एंड होता है कि भाई कुछ नहीं समझ में आ रहा तो फिर अप्रोच की जाएगी, क्रेडिटर फिर कहेंगे भैया इसका वाइंड अप करो, लेकिन स्टार्टिंग से ऐसा होता नहीं है, बहुत सारे ट्रायल होती है। वन ऑफ द ट्रायल ये भी होता है कि ये जो कंपनी है लोन क्यों नहीं चुका पा रही है, पूरा पैसे को कंट्रोल किसके पास होता है कंपनी का, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नालायक है, मैनेजमेंट को ही बदल दो, ऐसे रिकंस्ट्रक्शन कंपनी आ जाएगी वो मैनेजमेंट में बैठ जाएगी। अब जो भी पैसा होगा सही तरीके से इन्वेस्ट करेगी, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा कि इन्वेस्टमेंट सही तरीके से करे तो पैसा वापस आ रहा है, कंपनी के पास पैसा वापस आ रहा है तो अब ये लोन रिकवर हो जाएगा। तो ये सब तरीके हैं कि मैनेजमेंट बदल दो, आर्टिफिशियल बॉडी है, लेकिन अगर मैं इंसान हूं तो क्या मेरा मैनेजमेंट बदल पाएंगे क्या, नहीं, फिर तो भैया घर का सब कुछ बेच के ही रिकवर किया जाएगा। तो ऐसे अलग अलग तरीके होते हैं, डिटेल में प्रोफेशनल में पढ़ेंगे, यहाँ एक छोटा सा पार्ट दे रखा है, ठीक। हाँ बेटा, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया सरफाइसी एक्ट की डिटेलिंग है क्या, नहीं, बस एक छोटी सी बात कह दी है, रजिस्ट्रेशन सरफाइसी एक्ट के अकॉर्डिंग होगा। अब वो क्या करते, फ्री करते फाइनेंशियल सिस्टम को फोकस करने से कोर एक्टिविटी, भाई तुम बैंक है, लोन देने का काम करो, इन्वेस्टमेंट करो, तुम कहां रिकवरी में फंस रहे हो, तो रिकवरी का काम कौन करेगा बच्चा, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। फैसिलिटी देती है डेवलपमेंट मार्केट ऑफ द डिस्ट्रेस एसेट्स, ये डिस्ट्रेस एसेट्स कौन से, NPA, भैया इनको ठीक करने का काम कर रही है, आप अपना कोर काम करिए, दैट्स इट, ठीक है। ऐसे कंस्ट्रक्शन कंपनी के काम क्या क्या है, पहला काम क्या कर रही है, फाइनेंशियल एसेट है, अगर मैं एक बैंक हूं मेरे बैंक के ये फाइनेंशियल एसेट है, फाइनेंशियल एसेट को खरीदा जा रहा है बाय दी ARC। नेक्स्ट, चेंज कर रहे, टेक ओवर कर रहे क्या, मैनेजमेंट, अभी मैंने एग्जांपल देके बताया, अगर कोई कंपनी है तो उसके मैनेजमेंट को चेंज कर देंगे, उसको टेक ओवर करेंगे, भैया अब हम नए डायरेक्टर को बैठाएंगे, तुमसे नहीं हो रहा है। चलिए, सेल या लीज, बिजनेस बोरोवर, ठीक है, बेच सकते हैं, रीशेड्यूल कर सकते हैं डेट को। ITS कंपनी लोन नहीं चुका पा रही बैंक का, तो उन्होंने कहा चलो शेड्यूल थोड़ा सा चेंज करते हैं, आपका 5 साल का 7 साल कर देते हैं, आपके इंस्टॉलमेंट जो अभी 20,000 तक जा रही थी उसको 15,000 कर देते हैं, शायद रीशेड्यूल करने से आप में थोड़े से बर्डन कम होंगे तो आप रिपे कर पाओगे। ये सब तरीके हैं, ऐसे रिकंस्ट्रक्शन कंपनी ये तरीके लगाती है ताकि वो रिकवरी कर सके, ठीक। और क्या लिखा है, सिक्योरिटी को एनफोर्स किया जाएगा, सिक्योरिटी जो गिरवी रखी है, मैंने कहा था अगर मैं लोन नहीं चुका पाऊंगी तो मेरी बिल्डिंग गिरवी है, तो आप क्या करेंगे, इस बिल्डिंग को
बेचने की प्रोसेस चालू हो जाएगी, सेटलमेंट किया जाएगा, मतलब थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज किया जाएगा कि भाई इतने नहीं चुका पा रहे, लमसम दे देंगे, इतने में तो बताओ कितना कम बढ़ जाएगा, तो सेटलमेंट भी करो। तो ये सारे काम हमारी एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी कराती है ऑन द बिहाफ ऑफ बैंक। क्या ये बात समझ जा रही? वो भी बैंक ही इन्हें रखेगा, बैंक ही बोलेगा करिए। अजय अब इन्होंने कहा एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी का मीनिंग, क्योंकि बैकग्राउंड आप समझ चुके हो, मीनिंग आसानी से समझ में आएगा। एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी व्हेन अ बैंक, बैंक जब लोन देती है, एडवांस देती है, बैंक के पास सम राइट्स होते हैं, कुछ राइट्स होते हैं उस लोन को लेकर, रिकवर करने वाला तो राइट है ना बच्चा। एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी वो सारे के सारे बैड एसेट, इन बैड एसेट को क्या मैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट बोल सकती हूँ, हाँ, ये सारे बुरे एसेट्स को खरीद लेती है। एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी फिर इन बुरे एसेट्स को के पास जाती है और जो सारे के सारे राइट्स और इंटरेस्ट जो अभी तक बैंक के थे वो अब किसके हो जाएंगे बच्चा? एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, क्योंकि खरीद लिया है ना, अब वो उन राइट्स को लेने जाएगी। वो फाइनेंशियल असिस्टेंट देती है एक तरीके से किसको बच्चा? बैंकों को। बात समझ में आ गई? नीचे सिक्योरिटाइजेशन बोला है। अब सरफाइसी एक्ट में बार बार बोलते रहूं, क्या सरफाइसी एक्ट का पूरा फुल फॉर्म जानते हो? समझना, सिक्योरिटाइजेशन रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द फाइनेंशियल एसेट एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट। चलिए इस टर्म को समझते हैं। सबसे पहले मैं आपको समझा रही हूँ एनफोर्समेंट ऑफ द सिक्योरिटी इंटरेस्ट। ये अभी हमने जब काम पढ़ा तो आया, मैंने क्या बताया, आपने कुछ ना कुछ गिरवी रखा था, उस गिरवी को बेचकर पैसा वसूल किया जाएगा, तो क्या मैं इसे बोल सकती हूँ एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट? एनफोर्स किया जाएगा, जो आपने सिक्योरिटी रखा था मतलब उस पर काम किया जाएगा बेचने का। चलिए फिर इसके आगे ये वाला एक पॉइंट है, फाइनेंशियल एसेट को क्या किया जाता है? सिक्योरिटाइज या फिर क्या किया जाता है? रिकंस्ट्रक्ट। ये जो एक्ट है, इस एक्ट के जो नाम है उसको दो पार्ट में डिवाइड किया मैंने। एक पार्ट मैंने क्या बोला, जो सिक्योरिटी रखी थी उसे बेचा जाएगा। फर्स्ट पार्ट बोलता है फाइनेंशियल एसेट को सिक्योरिटाइज किया जाएगा या फिर रिकंस्ट्रक्ट। तो सिक्योरिटाइज मतलब क्या होता है, यही मीनिंग अब हम समझेंगे। When the asset reconstruction company acquire, जब वो financial asset खरीदता है, it is a kind of security receipt issued to qualified buyers. अब मैंने concept आपको समझाया था, क्या समझाया था, पहले bank होता है, asset reconstruction company को point करता है, ये market में एक share issue करता है, इस share को खरीदने वाले qualified institutional buyer, क्या मैं इस share को एक दूसरा नाम दे सकती हूँ, security receipt बोल सकती हूँ, हाँ कि ना? अब जनरल लैंग्वेज में मैंने आपको जानबूझ के शेयर बोला ताकि अभी समझ में आ जाए, फिर उसको मैं रिप्लेस करवाती। अब रिप्लेसमेंट में क्या मैं इसे सिक्योरिटी रिसिट बोल सकती हूँ? तो ये ऐसे रिकंस्ट्रक्शन कंपनी जब ये फाइनेंशियल एसेट खरीदती है तो खरीदने के लिए चाहिए पैसा, तो मार्केट में उसने क्या किया, सिक्योरिटी रिसिप्ट इशू कर दिए, सिक्योरिटी रिसिप्ट इशू कर दिए। इशू किसको किया बच्चा? नॉर्मल पब्लिक को नहीं, क्या? क्वालिफाइड बायर। क्वालिफाइड बायर्स मतलब लंबे चौड़े लिस्ट है एक, जिसमें बड़े प्लेयर्स होते हैं, जिसमें बैंक्स ही आ जाते हैं कि भाई ये लोग बड़ा अमाउंट दे पाएंगे क्योंकि हमें एक दूसरी कंपनी के एनपीए खरीदने। क्या बात समझ? उनको अगर फायदा लगे तो खरीदेंगे, नहीं लगे तो नहीं खरीदेंगे। क्लैरिटी है बच्चा? समझ? एक्चुअल में ये दम इसकी देखी जाती है, वसूली करने वाले की दम देखी जाती है, ठीक है? क्योंकि रिकवरी तो सभी की होगी, सबको लॉस होगा, लेकिन ऐसे रिकंस्ट्रक्शन कंपनी कितनी पावरफुल है जो रिकवर कर ले, ठीक है? अब याद करो जब हम स्टार्टिंग के चैप्टर पढ़े थे तो स्टार्टिंग कंपनी लॉ जब हम पढ़े थे तो सिक्योरिटी की डेफिनेशन थी। अब उस सिक्योरिटी के डेफिनेशन में यही सिक्योरिटी रिसिट की बात की जाती थी और लिखा होता था सरफाइसी एक्ट। तो मैं बोलती थी अभी शॉर्ट में समझो, बाद में समझाऊंगी, क्या आप थोड़ी सी और क्लैरिटी आई क्या? तो सिक्योरिटी रिसिप्ट वो एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के नॉर्मल शेयर ही है जो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर को इशू किए जाते हैं। क्यों? ताकि वो एनपीए खरीद सके किसी भी बैंक के। क्लियर है? चलो अब इन्होंने कहा भाई क्या फायदे हैं। फायदा नंबर वन क्या है? बैंक का कैश रिलाइज हो जाएगा। क्या हेल्प होगी? डिपॉजिटर और इन्वेस्टर्स को कॉन्फिडेंस आएगा। खुद आप सोचो बच्चा, एक बैंक है, एक बैंक में हम पैसे डाल रहे हैं, ठीक है, कोई अब उसका लोन नहीं चुका पा रहा, वो बैंक एक दिन डूब जाएगा तो हमें भी तो टेंशन हो जाएगी, जिस बैंक में हमारा पैसा डाला है हमें भी टेंशन होगी। तो ऐसे रिकंस्ट्रक्शन कंपनी बना के रखा है हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने ताकि हम लोग क्या हो जाए, थोड़े से कॉन्फिडेंट हो जाए कि हाँ पैसा बैंकों को दे दो, वो भी सेफ रख सकते हैं। नेक्स्ट, हमारे ही तो पैसा लोन के फॉर्म में दिया जाता है, मालूम है ना, बैंक हमसे सेविंग लेती है और फिर आगे लोन दे देती है। ऐसे रिकंस्ट्रक्शन कंपनी बिल्ड करती है इंडस्ट्री एक्सपर्टाइज, जो कि क्या है, लोन रिजोल्यूशन। रिजोल्यूशन मतलब प्रॉब्लम को सॉल्व करना, लोन से होने वाली प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है ना ऐसे रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। एआरसी इंपॉर्टेंट रोल किसमें बच्चा? डेवलप कैपिटल मार्केट, हमारा कैपिटल मार्केट ही तो डेवलप हो रहा है। नेक्स्ट, अब क्या लिखा है, क्या आगे इसकी रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस। अब बच्चा मेरी बात समझना, छोड़ो एक बार इसकी रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस, एनबीए
एनबीएफसी, हाउसिंग फाइनेंस, सबकी रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस देखी। एक जनरल प्रोसेस, पहले एप्लीकेशन देने का, एप्लीकेशन एक बार देख लेना कि नेट ओन फंड डायरेक्टर ये सारी चीजें है ना, अटैच डॉक्यूमेंट नेसेसरी, किसको देने का, आरबीआई को। सर्फ आईसी एक्ट के सेक्शन 3 में लिखा है आरबीआई से रजिस्ट्रेशन, तो ये एप्लीकेशन जाएगी आरबीआई के पास विद अटैच डॉक्यूमेंट्स। अब आरबीआई अच्छे से चेक करेगा, कंडीशन सेटिस्फाइड तो मिल जाएगा, नहीं तो रिजेक्ट। लेकिन रिजेक्ट करने से पहले अपॉर्चुनिटी फिंगर, ये जनरल प्रोसेस है। लेकिन अब जनरल प्रोसेस में इन्होंने क्या बोल दिया, पहले कुछ कंडीशन है, क्या होगी, ये कंपनी है, पहले नॉर्मल कंपनी की तरह कंपनीज एक्ट में रजिस्टर हो, फिर क्या लिखा है, आरबीआई से परमिशन लो। कुछ जनरल बातें और भी है कि भाई आप ये वाला काम तभी करने आओगे जब पिछले 3 सालों में आपको कोई भी लॉस नहीं हुआ। आप खुद लॉस में हो और बोलो किसी और को लॉस से बचा पाओगे, कैसे बचा पाओगे, आप खुद लॉस मेकिंग कंपनी हो और दूसरे को बोलो अच्छा तुम्हारे डिफॉल्टर्स हम खरीद लेंगे, वसूल कर लेंगे। अरे अपना पैसा तो देख लो पहले, अपना पैसा तो मैनेज कर नहीं पा रहे, दूसरों का कैसे करोगे। इट इज द प्रोसेस ऑफ रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स, सफिशियंट अरेंजमेंट हो, मतलब आपके पास पूरे बंदोबस्त हो वसूली करने के, आपके पास बंदूक हो टीका लगा के जाने का, मोटी से चेन पहना, ये सब नहीं, नॉर्मली क्या, ये तो नॉर्मल वसूली भाई होते। ऐसे रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के पास पैसा हो, फॉर्मेलिटीज हो, सिस्टमैटिकली अरेंजमेंट हो, जिससे वो नॉर्मली ये अप्रोच कर सके। नेक्स्ट, एआरसी, जो भी टाइम टाइम पे रिटर्न आएंगे वो सारे काम आप अपने खुद के सही से करो, अपना काम तुम्हारा सही चल रहा हो तभी वहां पहुंचो, ठीक है। रिडीम कर सको अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट विच इज मेड बाय दी क्वालिफाइड बायर, कौन थे क्वालिफाइड बायर्स, जिन्होंने वो शेयर्स खरीदे, ये जो इन्वेस्टमेंट है इनको उनका रिटर्न उन्हें मिल सके, उन्होंने आप पे भरोसा किया है, तो भाई आपको वसूली करके उनको रिटर्न देना है। क्योंकि कायदे से 100 करोड़ का तुमने 80 करोड़ में खरीदा, मतलब 20 करोड़ का फायदा होने वाला है आपको, तो 20 करोड़ निकल जाए, थोड़ा कम हो चलता है, लेकिन एकदम लॉस नहीं होना चाहिए कि 70 करोड़ वसूले उल्टा आपको तो लॉस हो गया बच्चा, बैंक की बल्ले बल्ले हो गई। नेक्स्ट, डायरेक्टर सफिशियंट एक्सपीरियंस और एक्सपोजर होना चाहिए, किसमें, रिलेटेड टू फाइनेंशियल अफेयर्स, ये रिकंस्ट्रक्शन इन्वॉल्व्स फाइनेंशियल अफेयर्स, इन सब में उनका एक्सपीरियंस होना चाहिए। नो क्रिमिनल कन्विक्शन अगेंस्ट द डायरेक्टर, खुद यहाँ पे डिफॉल्टर बैठा है और किसी और के पैसे को निकालने जाएगा, तो उन्हें बोला भैया तुम एकदम क्लीन चिट होने चाहिए। मैनेजमेंट की मैनेजर, मैनेजमेंट एग्जीक्यूटिव जो इंडिविजुअल से फिट एंड प्रॉपर पर्सन हो जो इस कंपनी को चला रहे हो, ऐसे कंस्ट्रक्शन कंपनी को, अदरवाइज हम आपको ये काम करने देंगे नहीं। के जनरल जनरल बातें समझ में आ रही है, चेंज हो सकता है लेकिन पॉइंट्स बनाते चलेंगे। हेडिंग, चलो मैं एक बार देख लेती हूँ, ठीक है, पहले ये देख लो, ये तो समझ में आ रहा है ना, आरबीआई के अकॉर्डिंग जो भी कंप्लायंसेस होंगे, और आगे चल के आरबीआई अलग से कभी भी स्पेसिफिक अगर गाइडलाइंस देगा तो वो भी फुलफिल करना है, ये समझ में आ गया। डॉक्यूमेंट अटैच करके देने थे, क्या होगा अटैचमेंट में, मत देखो एक बार सोचो क्या होगा डॉक्यूमेंट अटैच, पहले तो कंपनी इनकॉर्पोरेशन तो सिन सर्टिफिकेट मेमोरेंडम, वेरी गुड, ये देखो ये सब लिखा है, डायरेक्टर डिस्क्वालिफाइड नहीं है क्योंकि हमने पढ़ा ना कन्विक्टेड, तो ये सारे उन्होंने बोल दिया भैया बैलेंस शीट भी दिखाओ, आपके नेट ओन फंड लगाए कि नहीं लगाए, डिटेल कहीं रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, ये सारे डॉक्यूमेंट्स है, तो एक वन रीड करेंगे, क्लियर है बच्चा। अब तुम लोगों को क्या ये 4 पॉइंट दिए, आओ अब क्या लिखा है, ऐसे रिकंस्ट्रक्शन कंपनी गवर्न बाय, ये क्या लिखा है बच्चा, सिक्योरिटाइजेशन कंपनी रिकंस्ट्रक्शन कंपनी रिजर्व बैंक गाइडलाइन, क्या मैं इसे नॉर्मल बोल सकती हूँ आरबीआई के गाइडलाइंस, लास्ट में देखो, क्या मैं इसे आरबीआई के गाइडलाइंस बोल सकती हूं, क्योंकि लिखा है ना रिजर्व बैंक गाइडलाइंस, सीधा यहां पे आने का, इन्होंने गाइडलाइन में क्या दे रखा है, पहले तो रजिस्ट्रेशन कराओ सेक्शन 3 ऑफ सरफाइस एक्ट, पहला पॉइंट समझ में आया। दूसरा, ऐसे रिकंस्ट्रक्शन कंपनी सीक रजिस्ट्रेशन फ्रॉम आरबीआई, सबमिट देयर एप्लीकेशन और जो भी फॉर्मेट दे रखा, ये फॉर्मेट दे रखा है उन्होंने विद डॉक्यूमेंट, जो अभी पूरी पीछे लिस्ट थी, ठीक है, न्यू सिलेबस में डॉक्यूमेंट की लिस्ट दे रखी है, ओल्ड में दी नहीं है, तो वैसे भी तो हम अटैच ही तो करने वाले कि भैया नेसेसरी डॉक्यूमेंट अटैच कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्या लिखा है, कंडीशन एप्लीकेशन दी, सेटिस्फाइड हो जाएंगे तो क्या मिल जाएगा, सर्टिफिकेट, बिजनेस कब चालू करना, विद इन 6 मंथ्स के अंदर चालू हो जाना चाहिए, लेट नहीं होना चाहिए, लेकिन हाँ अगर कुछ दिक्कत जा रही तो आरबीआई आपको एक्सटेंशन दे सकता है 12 महीने का, आज सर्टिफिकेट मिला कल से काम करो, लेकिन 6 महीने ज्यादा लेट नहीं होना चाहिए, जल्दी करो ना। कुछ अगर मजबूरी है कि नहीं चालू कर पा रहे हो तो आरबीआई आपको और थोड़ा सा एक्सटेंशन देगा, दैट वॉज 12 महीने, क्लियर है।
पक्का पक्का। तो यहाँ पे टॉपिक होता है ओवर, एक मिनट रुक जाओ। कुछ डेटा दे रखा है, न्यू सिलेबस में है, ओल्ड में देखो है क्या, बता दू तुम्हें एक लिमिट याद रखनी है, नेट ओन फंड लगना है। अभी करंटली जो चल रहा है खुद का पैसा कितना लगाना चाहिए, 300 बता रही मैं। पहले 2016 में ये 2 करोड़ था, 2017 में ये 100 करोड़ हुआ, अब उन्होंने पूरा फाइनल कर दिया 2026 के लिए, कितना कर दिया बच्चा, 300। तो आपको क्या याद रखना है, अगर ओल्ड में पुराना दे रखा है, क्योंकि तुम्हारी बुक 2017 की थी, तो कितना दे रखा है तुम्हें, दिया ही नहीं है, तो ये लिख लो 2026 का 300, क्योंकि बच्चा अभी 23 चल रहा है, ऑब्वियसली यही लगेगा ना तुम्हें, 17 के बाद तो कितना पुराना हो चुका है। नहीं करते मॉड्यूल, नहीं करता। नेक्स्ट हेडिंग देखो क्या लिखा है, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, क्या काम होगा उसका, नाम से समझो, छोटे छोटे पैसे, ये गरीबों को कवर कर रहे हैं, जिसकी लो इनकम ग्रुप वाले लोग हैं उनको कवर कर रहे हैं, ठीक है। माइक्रो फाइनेंस कंपनी आर दी बैंकर्स एंड दी लेंडर्स हु प्रोवाइड माइक्रो फाइनेंस सर्विस, सच एज क्या क्या देते हैं, डिपॉजिट्स, लोन्स, पेमेंट और सर्विस, मनी ट्रांसफर, इंश्योरेंस, ऑफर फाइनेंशियल सर्विसेस, मेन किसको, लो इनकम पॉपुलेशन। यहाँ पे कह रहे कि भैया हम उस पॉपुलेशन, उस ग्रुप को कवर करें जिनके पैसे थोड़े से कम है, हम उनको फोकस करेंगे। नाबार्ड फुल फॉर्म नेशनल बैंक, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ये सबसे बड़ा बैंक होता है किसके लिए बच्चा, एग्रीकल्चर को लोन फाइनेंस प्रोवाइड करने के लिए। नाबार्ड ने माइक्रो फाइनेंस की डेफिनेशन दे रखी है, इनका पूरा फोकस है थ्रिफ्ट, व्हाट डू मीन बाय थ्रिफ्ट, सेविंग। नाबार्ड कह रहा है कि भैया मैं माइक्रो फाइनेंस की जो मीनिंग बताऊंगा वो मीनिंग मेरे हिसाब से क्या है बच्चा, कि ये माइक्रो फाइनेंस का मेन काम, मेन पर्पज होता है कि लोगों की सेविंग बढ़ाए, खर्चे कम सेविंग ज्यादा, ऑटोमेटिकली आपको पैसे की जरूरतें पूरी हो जाएंगे, आपको छोटे मोटे पैसे के लिए इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं, सीधे खर्चे कम करो, मेन फोकस उनका ये है। इन्होंने कहा अदर फाइनेंशियल सर्विस भी देती है, वो क्रेडिट भी देती है, किसको बच्चा, स्मॉल अमाउंट में देती है, किनको कवर करती है, रूरल एरिया के गरीबों को, सेमी अर्बन एरिया के गरीबों को और अर्बन के गरीबों को, गरीबों को ही कवर कर रही है, लेकिन कहाँ कहाँ, रूरल एरिया, सेमी अर्बन और अर्बन। तुम लोग किस में आते हो, तुम लोग अर्बन एरिया में आते हो, पूरी इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूं तो ये रूरल ही है, इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं कंपेयर करूं दूसरी और अच्छी सिटीज से, ठीक है, और वैसे तो हम अर्बन में आ जाते हैं, मतलब बुकिश लैंग्वेज की बात करूं तो आप अर्बन में हो, लेकिन ये थ्योरेटिकल है, अगर मैं प्रैक्टिकलिटी की बात करूं तो हम, हाँ ये सच है, उत्तर डेवलप ही नहीं हुआ ना बच्चा, देखो ना कैसे पता चलता है डेवलपमेंट, देखो थ्योरेटिकली डेटा ना बहुत ज्यादा दे दिए जाते हैं, वो पॉलिटिक्स का काम है देना, लेकिन प्रैक्टिकली देखो क्या हम उतना ग्रो कर रहे हैं, नहीं एक्चुअली में। चलिए वापस आते हैं, माइक्रो फाइनेंस का मेन पर्पस क्या है, मेन क्वालिफिकेशन क्या है, ध्यान दो। माइक्रो फाइनेंस बोलता है भाई मैं जो लोन देता हूं वो बहुत छोटे अमाउंट में देता हूं और मेरा फोकस क्या है, गरीब। चलिए अब इनका कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं। माइक्रो फाइनेंस प्रोवाइड करता है फाइनेंशियल सर्विस टू, सेम बातें, स्मॉल और अनस्टेबल। इन्होंने कहा कि भाई इनकी जरूरतें भी क्या होती है, छोटी। क्या लिखा है, कोलेटरल सिक्योरिटी, मतलब कुछ भी गिरवी रखने को होता उनके पास नहीं है, कुछ अर्जेंट नीड्स है। अर्जेंट नीड्स से मतलब क्या है, देख लो अपनी बुक में दिख रहा होगा, यहाँ नहीं दिख रहा होगा तो, एजुकेशन, देन तबीयत खराब, डेथ हो गई, ये फ्यूनरल में बच्चा कितना खर्चा होता है इस फ्यूनरल में, मुझे बताओ, बस इतना बहुत खर्चा होता है, किसी को देखा हो है? शादी पार्टी जैसा खाना खिलाते हैं, पता नहीं क्यों खिलाते, क्या कल्चर है मुझे समझ ही नहीं आता, मेरे हिसाब से तो बंद हो जाना चाहिए, बताओ, बंद कर लू। नेक्स्ट टॉपिक क्या लिखा है इसमें, इन्वेस्टमेंट इनकम जनरेटिंग एक्टिविटी, उन्हें सपोर्ट करना चाहते हैं जो भैया अपनी इनकम एक्टिविटी बढ़ा रहे हैं, ठीक है। ये क्या होता है, सेल्फ हेल्प ग्रुप, क्या होता है, वीसी, वीसी होता है ना बेटा, किसी ने बोला वीसी तो मारा मैंने, वीसी मतलब क्या, वॉलेंट्री कॉन्ट्रीब्यूशन, मम्मा लोग किटी पार्टी में भी जाती हैं, वॉलेंट्री कॉन्ट्रीब्यूशन ही खेलती हैं, पापा लोग भी जो
प्रॉपर बिजनेस कर रहे होंगे, है ना। ये सिंधी तुम लोग तो ज्यादा जानते होंगे, है ना। पापा लोग की चलती होगी वीसी, ठीक है। पापा लोग को बोलना पहले तो वीसी बोलो, वीसी नहीं बोलो, ठीक है। बोलना तो फुल फॉर्म बता दो, समझ गए। मैं वही कह रही हूं, बहुत टाइम से कुछ ऐसा चला आ रहा है जो लोगों को पता भी नहीं है, बस बोलते जा रहे हैं, बोलते और रीजन पूछो तो बताएंगे भी नहीं। तो बिना रीजन जाने तो आगे बढ़ने का नहीं। चलो हाँ हाँ, वो मतलब नहीं समझना है। सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या बच्चा? छोटा सा ग्रुप बनाया गया, ठीक है। अब समझना, फॉर एग्जाम्पल गाँव के कुछ रूरल एरिया, ठीक है, जो छोटे लेबर्स हैं, खेती करते हैं, आर्टिस्ट वगैरह हैं, जिनको बच्चा छोटे मोटे पैसे की जरूरत होती है, लोगों ने इकट्ठा करके जैसे वीसी वाला कॉन्सेप्ट डेवलप किया कि चलो तुम छोटा छोटा पैसे लेके आओ, सब लोग दो 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 हजार इकट्ठा करेंगे, अब हमारे 1 लाख हो जाएंगे, ऐसे जिसको जरूरत होगी उसे हम दे देंगे। लेकिन ये काम इतना अच्छा हुआ तो बच्चा बैंकिंग फॉर्मल सिस्टम ने भी देखा, बैंकिंग सिस्टम ने भी देखा कि बहुत अच्छा हो रहा है, तो क्यों ना इसे लिंक कर दिया जाए बैंक से। यही चीज आप बैंकिंग के थ्रू करो और थोड़ा सा भरोसे के साथ होगा, है ना, थोड़ा सिस्टमैटिकली होगा, क्योंकि ऐसे तो नॉन सिस्टमैटिकली जा रहा है, पूरा भरोसे में जाता है जो भी जाता है। आप खुद सोचो, किसी को आप पैसे दे रहे हो, जो बड़ी वीसीज होती है, सोचो उसमें कितने ज्यादा पैसे जाते हैं, 20-20-30-50 एक इंसान दे रहा है, तो सबका इकट्ठा करके तो लाख हो जाते हैं, 10-10 लाख मिल रहे होते हैं, तो सोचो किस भरोसे में दे रहे हो। तो अब छोटे लेवल में ये चालू हुआ, लेकिन इसे लिंक कर दिया गया है बैंक से। तो इन्होंने कहा कि ये वीसी जनरली ये किसको किसको ग्रोथ दे रही है बच्चा? विमेन्स एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं और गरीबी को थोड़ा सा बच्चा खत्म कर रहे हैं। ये प्रॉपर्टी पीपल, लो इनकम ग्रुप, जिनके पास कुछ भी नहीं है, उनको एक तरीके से सपोर्ट करता है, जरूरतमंद लोगों को। पॉवर्टी होना चाहिए, प्रॉपर्टी कर दिया है। इरेडिकेशन मतलब क्या होता है? रिमूव करना, खत्म करना, क्या प्रॉपर्टी को कि पॉवर्टी को? ये ना आपकी बुक भी ना। चलो, तो गरीबी को खत्म करना है, ठीक है। नेक्स्ट, ये स्मॉल लोन होता है, नॉट जस्ट फ्रॉम द एक्सटर्नल बट आल्सो द सेल्फ मोबिलाइजेशन सेविंग और सेल ऑफ, मतलब ये इंटरनल एक्सटर्नल। फॉर एग्जांपल हम सब लोगों ने मिलकर चलो छोटा छोटा पैसा इकट्ठा किया, तो मुझे एक्सटर्नल तरीके से पैसा मिला, मेरा पैसा, तुम लोग का पैसा, तुम्हारा पैसा मेरे लिए एक्सटर्नल है। इंटरनल क्या? मेरी खुद की सेविंग। मम्मा लोग इस चक्कर में सेविंग करने लगती हैं, छोटे छोटे पैसा इकट्ठा करती है, पापा से अलग से पैसे लेंगे वीसी के नाम पे, लेकिन स्टिल वो अपना एक छोटा छोटा और सेविंग कर रही होती है, वीसी में अपनी सेविंग दे देंगे और ये नेक्स्ट वीसी की तैयारी हो रही होती है, ठीक है। तो ये मम्मा लोग की सेविंग चलती है, तो ये इंटरनल चल रही है। तो ये बस ये कह रहे हैं कि इस सेल्फ हेल्प ग्रुप में, ये स्मॉल माइक्रो फाइनेंस में होता क्या है, आपकी जो सेविंग होती है दोनों तरीके से होती है, ये इंटरनली भी काम कर रही है और एक्सटर्नली भी, क्योंकि आप सेल्फ खुद से क्या करते हो, सेविंग स्टार्ट कर देते हो। क्या बात समझ में आ रही है? चलिए, फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या है बच्चा, कुछ भी चीजें गिरवी नहीं है, कलेक्टर सिक्योरिटी नहीं है। तो ये था इसमें जो हमने पढ़ा, क्या कैरेक्टर्स। फिर से उन्होंने कैरेक्टर से समरी में बोला है, शॉर्ट में आ जाओ, क्या लिखा है? लोन छोटा होता है, रिपेमेंट पीरियड छोटा होता है, मोबिलाइज होता है इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल एक्सटर्नल समझ में आया? इंटरनल सेविंग, एक्सटर्नल जो आप मुझे छोटे छोटे पैसा दे रहे हो, ठीक, दोनों मिलाकर। कुछ भी सिक्योरिटी नहीं। एंड यूज ऑफ लोन, लोन जो ये आपको मिला, जो ये पैसा मिला है, इसका जो यूज करोगे वो फ्लेक्सिबल है। मुझे सोफा खरीदना है, टीवी खरीदना है, कोई भी कुछ बड़ा फंक्शन आ रहा है, मम्मा लोग अपने हिसाब से देख लेती हैं। ये क्या होता है बच्चा, एक तरीके से ग्रुप लोन मिलता है, सबका लोग इकट्ठा करके किसी एक को दे रहे हैं, ठीक है। ट्रांजेक्शन कॉस्ट इसमें ऑब्वियसली बच्चा कम होती है, कोई इंटरेस्ट रेट लग रहा है क्या? नहीं। लेकिन जो बैंकिंग सिस्टम में सिस्टमैटिक लग रहा है, तो इंटरेस्ट रेट यस छोटा तो लगता है थोड़ा बहुत, क्लियर है। अब कैसे इनकॉर्पोरेशन का, भूल जाओ इसमें जो लिखा, खुद सोचो इनकॉर्पोरेशन कैसा होगा। टाइप ऑफ एनबीएफसी, आरबीआई को अप्रोच कर रहे हो, आरबीआई को अप्रोच की एप्लीकेशन दिया विद अटैच डॉक्यूमेंट्स, सेटिस्फाइड तो मिल जाएगा, नहीं सेटिस्फाइड तो रिजेक्ट, रिजेक्ट करने से पहले अपॉर्चुनिटी बींग, क्लियर है। पहले तो कंपनी में रजिस्ट्रेशन, फिर आरबीआई, सेम किसी भी बातें हैं। देखो ये क्या लिखा है, पढ़ लोगे। इन्होंने कहा हमारा पेट ही नहीं भरा है, क्या लिखा है, जो ऊपर डॉक्यूमेंट्स है ना, इसके अलावा और एडिशनल डॉक्यूमेंट्स है, पढ़ लेंगे, अब पढ़ना पड़ेगा। अब मेरी बात सुनो, वन रीड तो सबको करना है, लेकिन वन रीड करने के बाद आपको क्या लगता है कि कितना एग्जाम में याद रहेगा? तो आप प्रिस्क्राइब डॉक्यूमेंट लिखोगे, कभी भी डॉक्यूमेंट की लिस्ट पूछी नहीं जाती है।
तो क्या आप दो या तीन घिसे पीटे जो कॉमन डॉक्यूमेंट है सब में, अभी बताओ घिसे पीटे कॉमन डॉक्यूमेंट क्या थे? इनकॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट और आरबीआई के तो पास जा ही रहे हो एप्लीकेशन देके, तो रजिस्ट्रेशन का भी तो नहीं आएगा। अभी देखो सुनो सुनो, मैं आरबीआई के पास रजिस्ट्रेशन करने जा रही हूं, एक फॉर्म होगा प्रिस्क्राइब फॉर्म, बोलो हाँ, प्रिस्क्राइब फॉर्म के साथ अटैचमेंट में होंगे डॉक्यूमेंट। अब बताओ क्या क्या होगा, पहले इनकॉर्पोरेट हो चुकी उसका सर्टिफिकेट और मेमोरेंडम जिसके ऑब्जेक्ट क्लॉज में लिखा होगा। अब आप एआरसी का काम करो तो एआरसी लिखा होना चाहिए, दूसरा कर रहे हो ऐसे कंस्ट्रक्शन कंपनी और क्या बढ़ा था, हाउसिंग फाइनेंस जो भी लिखा होगा, तो वो सारी चीजें, रेजोल्यूशन बोर्ड रेजोल्यूशन और साथ में क्या प्रिस्क्राइब रेजोल्यूशन जो भी कंपनीज एक्ट बोलेगा, समझ रहे हो, ये सारी चीजें। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की क्वालिफिकेशन भी कि वो डिस्क्वालिफाइड नहीं है, ये घिसे पीटे डॉक्यूमेंट है। एक और चीज आप खुद नोटिस करो, सबका खुद का एक ओन फंड है, नेट ओन फंड कहां से देखेंगे, बैलेंस शीट, तो लेटेस्ट बैलेंस शीट भी अटैच करने का। ये सब कॉमन डॉक्यूमेंट है जो सब में चिपकाना है, कर लेंगे क्या, करना पड़ेगा, ठीक है। अब फिर इतनी लिस्ट आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको कॉमन, अब एग्जाम में पूछता भी है तो भी हम इतना ही लिख के आएंगे, क्योंकि हमारे दिमाग की भी एक सीमा है, एक लिमिट है डॉक्यूमेंट्स याद करने के। और सेटिंग अप जो आपका सब्जेक्ट है, ये तो हर चैप्टर में ही प्रोसेस और डॉक्यूमेंट्स की बात करता है, ठीक है। तो आपको कॉमन चीजें निकाल के रखनी पड़ेगी, क्लैरिटी है, चलो हाँ हाँ डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक है निधि, चैप्टर स्टार्ट हुआ तो सबसे पहले एनबीएफसी, देन हाउसिंग फाइनेंस, देन ऐसे रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, देन माइक्रो फाइनेंस कंपनी। अब मुझे बताओ निधि कंपनी कहां आपने डिटेल में पढ़ी है, तो निधि कंपनी में आपको मालूम है कि निधि कंपनी कौन सी कंपनी होती है, जो वेल्थ थ्रिफ्टी इन्हीं सबको, निधि कंपनी उन्हीं मेंबर्स को पैसा देना पसंद करती है जो इसके मेंबर्स होंगे। अगर आपको ये याद हो कि अगर निधि कंपनी होती है तो वो प्राइवेट कंपनी होती है, निधि कंपनी हमेशा क्या होती है, याद रखना ये कभी भी प्राइवेट कंपनी नहीं होगी, ठीक है। अब इसकी अगर मैं थोड़ी सी डिटेलिंग में जाऊं, इसकी अगर मैं डिटेलिंग में जाऊं बच्चा, तो ये याद रखना जब भी कंपनी इनकॉर्पोरेट होगी एज अ निधि कंपनी, तो स्टार्टिंग में तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, उसके 120 डेज के अंदर, कितने डेज के अंदर, 120 डेज के अंदर मिनिमम मेंबर्स आपको इकट्ठे कर लेने हैं 200, कुछ याद आया, पड़ा है। और नेट ओन फंड कितना कर लेना है, 20 लाख, फिर ये ब्रांचेस भी ओपन कर सकते हैं। ये सारी चीजें इन शॉर्ट बस मैं आपको फिर से नहीं पढ़ाऊंगी, ये आपके कंपनी लॉ में कवर हो चुका है, न्यू सिलेबस में कंपनी लॉ में है, और ओल्ड सिलेबस में एसबीसी के ही स्टार्टिंग में ही है, तो ये रिपीट है मेरे हिसाब से, ठीक है। तो प्लीज वहां पढ़ लोगे तो ऑटोमेटिकली ये कवर हो जाएगा। इसमें ये लिखा है, देखो स्टार्टिंग में क्या लिखा है, एक चीज बस याद रखना, ये साउथ इंडिया में बहुत पॉपुलर है निधि कंपनी, सबसे ज्यादा पॉपुलर साउथ में, साउथ में निधि कंपनीज बहुत बनी है, ठीक है। यहाँ आपको वैसे भी कहीं नहीं दिख रही होगी निधि कंपनी, जो देखेगी वहीं की दिखती है, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे बच्चा, ये क्या लिखा है, निधि कंपनी ये सारे काम नहीं कर सकती, निधि कंपनी क्या काम कर रही है बच्चा, सिर्फ मेंबर से ही पैसा ले रही है, मेंबर को ही दे रही है, मतलब गोल गोल वहीं रोटेशन कर रही है। किसी को लोन की जरूरत है तो उन्हें पहले क्या करना पड़ेगा, मेंबर बनना पड़ेगा। इन्होंने बोला ये चिटफंड का काम नहीं, हायर परचेज का काम नहीं, लीज फाइनेंस का काम नहीं, इंश्योरेंस सिक्योरिटी नहीं कर सकती, ये प्रेफरेंस शेयर इशू नहीं करती, डिबेंचर डेट नहीं, ये इक्विटी बस करती है, मेंबर्स ही है और कोई है ही नहीं ना। फिर क्या लिखा है, ये अपना करंट अकाउंट, ये सब जनरल रिस्ट्रिक्शन है कि ये निधि कंपनी नहीं कर सकती, क्या एक वन रीड कर लेंगे, इन शॉर्ट पूरा पढ़ा पड़ेगा, ये चीज है जो नहीं पढ़ाई है वो भी कुछ कैसा खतरनाक टॉपिक नहीं, एक बार वन रीड करना पड़ेगा, क्लियर है, नहीं नहीं केस नहीं। बेनिफिट्स, निधि कंपनी के फायदे, छोटी छोटी सेविंग को प्रमोट करे, थ्रिफ्टी, लोन क्या हो जाता है, सिक्योरिटी होता है, अगर लोन देंगे तो लो इंटरेस्ट रेट लोन देंगे, अब डिपॉजिट क्या है, पैसा, तो पैसे में हाई इंटरेस्ट रेट, तुम लोग मेंबर्स हो, तुमने निधि कंपनी को पूरा पैसा डिपॉजिट किया, तो रिटर्न में आपको क्या मिलेगा, हाई इंटरेस्ट रेट। मुझे पैसे की जरूरत है, मैं इस निधि कंपनी के पास जाती हूँ, मैं कहती हूँ मैं मेंबर हूँ मुझे लोन दे दो, तो मुझे क्या लगेगा, लो इंटरेस्ट रेट। तो जब आपका पैसा जमा होगा तो हाई दिया जाएगा, लेकिन जब आप लोन लेते हो तो लो इंटरेस्ट, मतलब ये आपके फायदे के लिए बनी हुई है निधि कंपनी, बात समझ में आ रही है, चलो। हाँ बेटा पूछ पूछ, चलिए फिर क्या लिखा है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या होने चाहिए,
तीन ये पर्सन होने चाहिए, फाइनेंस उनको हैंडल करते बनना चाहिए, एट द एंड हमें भी तो ग्रोथ चाहिए ना मेंबर्स के लिए, तो बस ये लिखा है। क्या होगा इनकॉर्पोरेशन में बताओ? पब्लिक कंपनी है, फॉर्म भरेगी और जैसे ही फॉर्म भरने के बाद 120 दिन के अंदर क्या 200 मेंबर और 20 लाख तक का है ना इनका नेट ओन फंड होना चाहिए। फॉलोइंग कंडीशन ये लिखा है बच्चा, 200 मेंबर्स और 20 लाख तक का नेट ओन फंड। अटैचमेंट में डॉक्यूमेंट में दे देना, डॉक्यूमेंट में क्या कि हमारे प्रोमोटर डायरेक्टर फिट एंड प्रॉपर है, मतलब डिस्क्वालीफाइड वगैरह नहीं है। डिटरमाइन वेदर दी प्रोमोटर डायरेक्टर फिट एंड प्रॉपर है, ये सारी चीजों से पता चलेगा, वो ऑनेस्ट होना चाहिए, इंटीग्रिटी, ये सारे पॉइंट्स, ये सारी चीजें। इन शॉर्ट सीजी को सब ठीक लगेगा तो क्या हो जाएगा बच्चा, एग्जामिन दी, फिर वो सेटिस्फाइड होगा तो आपको मिल जाएगा। अगर वो सेटिस्फाइड नहीं है, नॉट कंप्लाई, तो बच्चा आपको अलाउ किया नहीं जाएगा। यही सारी घिसी पिटी प्रोसेस है। क्या ये बात समझ में आई? यहाँ पे टॉपिक होता है ओवर। अब बताओ क्या क्या टॉपिक बचे, कल रिवाइज होगा। पेमेंट फंड, क्या होता है पेमेंट फंड? आज के टाइम पर बच्चा एक न्यू बैंकिंग सिस्टम आ गया है, यहीं बैठे लाखों के ट्रांजैक्शन कर सकते हो, है ना, 1 लाख कि 2 लाख, हर बैंक की सबकी अपनी अपनी लिमिट्स है। हाँ ठीक है, और चलो चलो बस बस बस, है ना। तो इन शॉर्ट आरबीआई एक नया कॉन्सेप्ट लिख रहा है बच्चा, दीज बैंक कैन बी एक्सेप्टेड, क्या लिखा है, रिस्ट्रिक्टेड डिपॉजिट, कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है। अब यहां पे उन्होंने क्या बोल दिया है, करेंटली लिमिट कितनी है अभी, 1 लाख पर कस्टमर, मे बी इंक्रीज फर्दर। वैसे जनरल रूल तो 1 लाख तक है। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं गूगल पे बोलूंगी, गूगल पे क्या बच्चा, पेमेंट बैंक है। और एग्जाम्पल बताओ, पेटीएम, फोन पे, सब भारत पे, ऑल दीज आर पेमेंट बैंक्स। तो इन्होंने बोल रखा है इन सब की लिमिट कितनी है, आगे बढ़ाई भी जा सकती है कुछ टर्म्स एंड कंडीशन फुलफिल करोगे तो। ठीक है, अब कैन पे इंटरेस्ट ऑन दीज डिपॉजिट जस्ट लाइक अ सेविंग बैंक अकाउंट, ये सब होते हैं बोथ करंट सेविंग, जो भी आपको ऑपरेट करना है, इधर उधर की बातें। अप्रैल 2021 क्या ओल्ड सिलेबस तुम्हारे इसमें ये वाला डेटा है क्या? चलो है। Ability of the payment bank to cater the growing needs of their customer. The current limit is maximum N2. इन्होंने कहा 1 लाख, लेकिन अगर आपका जो कस्टमर है उसकी लिमिट अगर ज्यादा है तो बच्चा है, बैंक से अगर आप बात कर लो, यही पेमेंट बैंक से तो लिमिट बढ़ सकती है, कितनी हो सकती है, 2 लाख। तो इसलिए हम पूरे से नहीं बोल सकते 1 लाख लिमिट है, 2 लाख, सबकी टर्म्स एंड कंडीशन है, रिस्ट्रिक्शन है, उनको कंडीशन को फुलफिल करेंगे तब जाके आपकी मैक्सिमम 2 लाख होती है। ठीक है, अब एक कमिटी बनाई गई थी। ठीक है, अब इस कमिटी देखो सरनेम क्या लिखा है, नचिकेत मोर। ठीक है यार, किसी का नाम का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, चलो आओ इधर। तो ये इन्होंने ही सेटअप किया, इस कमिटी ने ही बोला कि हाँ ये पेमेंट बैंक्स होने चाहिए, केटर टू लोअर इनकम ग्रुप, स्मॉल बिजनेस। आज के टाइम पे खुद आप देखो बच्चा, छोटा छोटा फुल्की वाला हो गया, सब्जी वाले हो गए, है ना, सबके पास वो मशीन है ट्रिंग, है ना, तो अनाउंस कर देता 10 रुपए मिल गए, 5 रुपए मिल गए, 20 रुपए मिल गए, प्राप्त हुए। अरे कल तो मैंने एक जगह पे किया, वहां पे तो अमिताभ बच्चन जी की आवाज थी, है ना, हो गया है, बताओ यार। तो चलो यहाँ पे ये जनरल जनरल बातें दे रखी है। अब क्या बोल रखा है, रेगुलेशंस ऑनलाइन ओल्ड सिलेबस आपका रेगुलेशन है, बस यही लास्ट टॉपिक है, चलो आओ। यहाँ पे उन्होंने क्या बोल दिया है, जो पेमेंट बैंक्स है रेगुलेट कौन कर रहा है बच्चा, ऑलवेज आरबीआई तो आएगी। गाइडलाइंस लाइसेंस ऑफ द पेमेंट कब, 2014 में जो उन्होंने दे रखा है, प्लीज वो सारी 14-16 टर्म्स एंड कंडीशन बढ़ती रहती है। इन शॉर्ट शॉर्ट में अगर मैं बोलूं तो इन बैंक्स को जाकर आरबीआई से क्या लेनी पड़ेगी बच्चा, लाइसेंसिंग टाइप की रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे उन्होंने क्या बोल रखा है, यहाँ से आएंगे, देयर इज अ 41 एप्लीकेशन फ्रॉम वेरियस एप्लीकेंट इंक्लूडिंग सम कॉर्पोरेट हाउस आफ्टर ड्यू प्रोसेस। ये बस अपने बारे में बता रहे कि ऐसी बहुत सारी एप्लीकेशन आती है, एप्लीकेशन का सबका अपना अपना पर्पस रहता है। एक्सटर्नल एडवाइजरी कमिटी, जो यही हमारा नचिकेत जो मोर थे, 2015 में आरबीआई ने प्रिंसिपल लाइसेंस देने का डिसाइड किया। ये फॉलोइंग उन्होंने क्या बोल दिया, पेमेंट के नेम्स बताए हैं, क्या देखे, विद इन द पीरियड ऑफ 18 मंथ्स। वापस रीड करूं क्या बोल रहा है, RBI के अकॉर्डिंग इन प्रिंसिपल लाइसेंस इन फॉलोइंग 11 एंटिटीज को मिल रखा है टू लॉन्च पेमेंट। इनको लाइसेंस कितने टाइम में मिला बच्चा, 18 महीने में ये आपको लाइसेंस मिले। कितने लोग हैं टोटल, 11। अब इनके नाम देखो, ये अच्छा ये तो मैं है ही नहीं, तुम लोग ने तो कहा है,
ठीक है, न्यू सिलेबस तुमको समझ में आया, ये बस अपना एक एक इंसिडेंट शेयर कर रहे हैं कि जब ये चालू हुआ था तो 41 एप्लीकेशंस आए, उनको पूरे अच्छे से देखा गया, स्क्रूटनी किया गया, और उनमें से कितने लोगों को एप्लीकेशन कितनी थी 41 की, मिला कितने लोगों को, 11 लोगों को। कितना टाइम लगा इन सब में, 18 महीने। ये एक जस्ट था इंसिडेंट जो आपसे वो शेयर कर रहे हैं। ठीक है बच्चा, अदर टर्म्स एंड कंडीशन दे रखा है, अदर टर्म्स एंड कंडीशन क्या होगा, ये एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी होगी एज पर कंपनीज एक्ट, पेमेंट बैंक्स कैन नॉट बी, किसी भी कंपनी की सब्सिडी नहीं होगी, क्योंकि अगर ये सब्सिडी बनेगी तो क्या दिखाएंगी, होल्डिंग कंपनी का इन्वेस्टमेंट दिखाएगी, इनका खुद का बेस होना चाहिए पैसों का। ठीक, फर्स्ट 5 ईयर्स प्रमोटर्स स्टेक रहेगा कितना, समझना, मैं अपना एक पेमेंट बैंक बनाती हूं, स्टार्टिंग के कितने साल, 5 साल, मेरा 40% पैसा लगा होना चाहिए और बाकी जिससे मैंने ले रखा है उसका कितना होना चाहिए, 60, तो खुद का पैसा कितना प्रमोटर का, 40%। फिर क्या दे रखा है, फॉरेन शेयरहोल्डिंग अलाउड, एफडीआई नॉर्म्स, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की अलग से नॉर्म्स है, उनकी टर्म्स एंड कंडीशन ध्यान में रखकर ही होगा। वोटिंग राइट्स, ये ओल्ड सिलेबस में है क्या, है, बस वोटिंग राइट्स है, बाकी ऊपर का नहीं था क्या, पूरे, ठीक है, ये सारे हैं। लिस्ट ऑफ पेमेंट बैंक्स है क्या, पेमेंट बैंक्स कैन बी प्रमोटेड बाय, है क्या, आओ डायरेक्ट की इश्यूज बढ़ा रही हूँ, क्या लिखा है की इश्यूज, सेम यही तो लिखा है, रिपीट है मतलब, इन शॉर्ट प्रमोटर का इन्वेस्टमेंट कितना होना चाहिए, फर्स्ट 5 ईयर्स, उसके बाद दूसरे का भी पैसा लगाओ, लेकिन स्टार्टिंग में आपका खुद का पैसा फंसा होना चाहिए। फिर क्या लिखा है, फॉरेन शेयरहोल्डिंग, सेम तो लिखा है बच्चा, एफडीआई के अकॉर्डिंग होना चाहिए। देन वोटिंग राइट्स, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट की होती है, वोटिंग राइट्स ऑफ एनी शेयरहोल्डर इज, क्या लिखा है, कैप्ड, कितना, मतलब 10% वोटिंग राइट्स की बात हो रही, कैन बी रेज, इसको बढ़ाकर क्या कर दिया जाएगा, 26 बाय द आरबीआई, एनी एक्विजिशन इज मोर देन 5% विल बी रिक्वायर अप्रूवल आरबीआई। वापस रीड कर रही हूं, जो वोटिंग राइट्स है बच्चा, इसमें साफ साफ बोल दिया है शेयरहोल्डर की जो कैप्ड है, एक शेयरहोल्डर 10% से ज्यादा का शेयर, 10% से ज्यादा की वोटिंग राइट होल्ड करेगा नहीं, पहली तो बात ये बोली। दूसरा उन्होंने बोला इस 10% वाली जो लिमिट है, इसको आरबीआई ने लिमिट कर हाई कर क्या कर दिया है, 26, और साफ साफ बोल दिया अगर कोई भी बंदा 5% से ज्यादा का शेयर खरीद रहा है, मतलब 6% खरीद रहा है, पहले उसे आरबीआई से परमिशन लेनी पड़ेगी, क्योंकि पेमेंट बैंक्स में अगर आप 6% तक का कोई अगर शेयर खरीद रहे हो तो परमिशन पहले, क्योंकि ये बहुत बड़ा अमाउंट है, फिर जाकर हम आपको अलाउ करेंगे कि हाँ आप खरीद सकते हो। द मेजोरिटी ऑफ द बैंक्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर शुड कंसिस्ट, क्या लिखा है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंटमेंट अकॉर्डिंग टू आरबीआई, इंडिपेंडेंट रहेंगे, आरबीआई ध्यान रखेगा कौन अपॉइंट हो रहा है। बैंक शुड बी फुल्ली, क्या लिखा है, नेटवर्क फ्रॉम द बिगिनिंग, क्या कह रहा है, स्टार्टिंग से ही पूरे नेटवर्क में रहेंगे, मतलब अच्छा खासा आपका नेटवर्किंग होनी चाहिए। द बैंक कैन एक्सेप्ट द यूटिलिटी बिल्स, यूटिलिटी बिल मतलब बिजली के बिल और भी जो छोटे मोटे बिल्स होते हैं, ये सारी फैसिलिटीज भी दी जाएंगी, वो ये कह रहे हैं। कैन नॉट फॉर्म अ सब्सिडी, ये तो हमने पढ़ लिया, नॉन बैंकिंग एक्टिविटी, इन्होंने क्या बोलते हैं, आप सब्सिडी नहीं बन सकते। इनिशियली डिपॉजिट विल बी, कितना होगा पर कस्टमर, इनिशियली कितना बोल रखा है बच्चा, 1 लाख तक का, बट मे बी राइज, आरबीआई ने क्या बोल दिया, परफॉर्मेंस ऑफ द बैंक, अगर आपका फॉर एग्जाम्पल गूगल पे, पेटीएम, ये सब लोग ठीक है अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो इनकी जो लिमिट है वो परफॉर्मेंस के बेसिस पे बढ़ाई भी जा सकती है। हाँ, पेटीएम वॉलेट वगैरह, ठीक है, अभी तो 1 लाख बोल रखी है। बैंक कैन नॉट अंडरटेक लेंडिंग एक्टिविटी, मतलब क्या नहीं करेगा, लोन देने का काम नहीं करेगा, का काम क्या है, पेटीएम का काम क्या है बताओ, ट्रांजेक्शन्स इधर से उधर करना, उस बेसिस में उसका कमीशन लेता है, क्या बात समझ में आ रही है, तो ये उधारी नहीं देगा, चलो किससे आ जाओ, जिस भी बैंक, अच्छा मैं बता रही, सुनो, सारी दुकानों में देखते हो उसके कुछ चार्जेस होते हैं, पूछना कभी, चार्जेस होते हैं, आप लोगों को देखने में तो नॉमिनल लगेंगे, मशीन जब आप लेते हो तो उसके एक चार्जेस होते हैं, ठीक है, कितना होता है, स्कीम्स अलग अलग है, जैसे अभी हम लोग के पास भी, हम लोगों ने भी लिया तो उसने बोला कि ट्रांजेक्शन की एक लिमिट है, उस ट्रांजेक्शन की लिमिट अगर क्रॉस करोगे तो और सस्ता हो जाता है, अगर उस ट्रांजेक्शन लिमिट को क्रॉस नहीं करोगे, स्कीम्स के अकॉर्डिंग एक कुछ कुछ चार्जेस होते हैं, तो ये सारे वो पैसे ही तो कमा रहे, हमें दिखने में छोटा सा अमाउंट लग रहा है लेकिन वो छोटा नहीं है। अब वो जिन जिन बैंकों से टाई अप कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल SBI से टाई अप कर रखा है उन्होंने, तो बच्चा SBI नहीं देती होगी कि हमारे ट्रांजेक्शन आसान हो गए, नहीं तो बच्चा लंबी चौड़ी भीड़ लगी रहती थी लोगों की,
तो SBI नहीं देता होगा या बाकी बैंक नहीं देते होंगे जिनसे लोगों ने टाइप कर रखे, और भी ऐसे बहुत सारे काम निकल आते हैं जो वो सर्विसेज दे रहे, तो जितनी वो सर्विसेज दे रहे उन सबके क्या होते हैं नॉमिनल यस चार्जेस होते हैं। मोबाइल, वेरी गुड, 2 रुपए लगने लगा है। हाँ, एक लिमिट के बाद चार्जेस लगते हैं, वो हम ध्यान नहीं देते क्योंकि 2 रुपए हमको इतना डेंट देते ही नहीं, हमें लगता है 2 रुपए कितना ही है, लेकिन सोचो ना 150 करोड़ की जनसंख्या। और बच्चा दूसरे तरीके भी हैं, एक सबसे बड़ा तरीका क्या पता है आपको जो मार्केट में चलता है बच्चा, डेटा। जितनी पेमेंट्स हो रही है डेटा कहाँ जा रहा है, क्या लगता है डेटा बहुत खरीदा बेचा जाता है बच्चा? गवर्नमेंट को देते हैं, लेकिन मैं सच कह रही हूँ ये जो डेटा है बच्चा इसकी बहुत कीमत होती है, बहुत कीमत होती है, ठीक है। लेकिन ये गवर्नमेंट के भी कुछ नॉर्म्स होते हैं, लेकिन जब फंस जाए तब वो नॉर्म्स एप्लीकेबल है, अदरवाइज तो नहीं है। हर तरीके से बैंक मस्ट बी यूज दी पेमेंट बैंक इन द नेम ऑफ द डिफरेंशिएट अदर टाइप ऑफ बैंक। बैंक बी लाइसेंस रेगुलेशन एक्ट के अकॉर्डिंग, रजिस्ट्रेशन नॉर्मल कंपनीज एक्ट में पब्लिक कंपनी की तरह बनते हैं, समझ में आ रहा है? और जो ऊपर छूट गए कुछ अलग नहीं बोला है, ये लिस्ट दे रखी है किसकी, जो स्टार्टिंग में बने थे, देखो जियो पेमेंट बैंक नाम तो पेटीएम, ठीक है, और भी सारे नाम है। पेमेंट बैंक कैन बी प्रमोटेड, पेमेंट बैंक कैन बी प्रमोटेड, कौन प्रमोट करता है? एग्जिस्टिंग नॉन बैंक प्रीपेड पेमेंट इंस्टीट्यूशन इश्यूज, कुछ नहीं, कौन कौन प्रमोट कर रहा है? NBFC, मोबाइल टेलीकॉम कंपनी, इन सबको बहुत जरूरत है इनकी, ये वो इंडस्ट्रीज है जिनको पेमेंट बैंक की जरूरत है, तो वो इन्हें बहुत ज्यादा प्रमोट करते हमारे नॉर्मल बैंक में, क्लियर है? और जो ये चीज है ये रिपीट है जो अभी हमने पढ़ा ना 5%, अगर 5% खरीदेंगे तो RBI से परमिशन, मेजोरिटी ऑफ द बैंक बोर्ड क्या होना चाहिए, इंडिपेंडेंट बोर्ड RBI, ये रिपीट है यार, पता नहीं क्यों 2 बार दिया, पढ़ लेंगे रिपीट है। चलो यहाँ पे पेमेंट बैंक होता है ओवर। अब मेरी बात सुनो, नेक्स्ट क्लास जो आपकी सुबह लगेगी बच्चा वो बस न्यू सिलेबस की लगेगी, ठीक है? आज की सभा यहाँ पे समाप्त।